اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا اب القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بزءة مني من أزاها فقد أزاني. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مشتبہ علی ابن سید زاہد علی، مرحومہ قریشہ سلطان بنت سید محمد بشیر، مرحوم سید نواب حامد علی ابن سید محمد عباس صاحب، مرحومہ نایاب بیگم بنت سید زاہد علی، مرحومہ حسن زہرا بنت سید مشتبہ علی صاحبان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. صلوات ارشاد فرمائے. عزیز محترم، غالباً سلسلہ مجالس کی یہ آج کی آخری مجلس ہے نا، اور اس ایام عزائے زہرا کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت ساری مجلسیں سماعت کی اور فضائل و مصائب معصوم عالم سے روشناس ہوئے، مصاب ہوئے. بہت مشہور و معروف حدیث کے حوالے سے اپنے تھوڑے سے معروضات بعنوان فضائل اور تھوڑے سے معروضات بعنوان مصائب آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ رسول کی بہت مشہور حدیث ہے، فاطمۃ بزۃ منی، زہرا میرا ٹکڑا ہے. بزۃ منی
मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज है। एक रोजमर्रा उर्दू का इसमें शामिल हो गया है तर्जुमे में, वो उर्दू का रोजमर्रा है जिगर का टुकड़ा। ये उर्दू का रोजमर्रा है, अपने बच्चों के लिए लोग कहते हैं जिगर का टुकड़ा। तो जब आप इसमें जिगर का टुकड़ा कर देंगे तो फिर हदीस में उर्दू का माहौल पैदा हो जाएगा। और कर रहे हैं आप, क्यों क़िबला? उर्दू का माहौल पैदा हो जाएगा तो फिर बच्चे को भी लोग कल्ब जिगर की ही नजर से देखते हैं, उसी नजर से हदीस देखने लगेंगे। और कर रहे हैं आप, इसमें उलमा तशरीह फरमा है कहीं भी लफ्ज़ जिगर का जिक्र नहीं है। इसमें है फातिमतो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब सवाल यह है कि रसूल का मेरा है क्या? जुमला पहुंचना चाहिए, रसूल का मेरा क्या है, लफ्ज़ मेरा की हैसियत क्या है? तो रसूल के मेरा की हैसियत कुरान तय कर रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सवाए रसूल के। तो जो है रसूल का मेरा का मतलब है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुस्तफा कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। तो कौल रसूल का, फेल रसूल का, पैकर रसूल का, जात रसूल की, शख्सियत रसूल की, हैसियत रसूल की, हर मर्तबा रसूल का। तो फातिमा जुज जो है वो उस मेरा का जुज है, यानी रसालत का जुज है, मुस्तफाइयत का जुज है, शरीयत का जुज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तहलीले मंजर के लिए कहीं कहीं मैं समाजी नुक्ते नजर से भी गौर करता हूं। उर्दू में, चूंकि उर्दू ही के हवाले से बात पहुंचा रहा हूं, कुछ मशहूर हो गया ना जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा नहीं, मुस्तफाइयत का टुकड़ा है, मोहम्मदीयत का टुकड़ा है। और वो मुस्तफाइयत क्या है? कुल्लोना रसूल है, कुल की कुल रसूल है, कुल्लोहम रसूल है, कुल की कुल रसूल है। उर्दू में, ये उर्दू के कल्चर में कोई बीवी अपने शौहर का कोई पैगाम पहुंचाती है या कहती है तो क्या कहती है? अब यहां मिसाल कभी कभी बड़ी खतरनाक हो जाती है। एक लफ्ज बोला जाता है बाबू, यहां भी बोलते होंगे बच्चे को, बोलते हैं कि नहीं बोलते बाबू? भाई ये बाबू के अब्बा ने कहा है, ठीक है, यही तो कल्चर है। अगर बाबू का कोई नाम रखा है तो फिर उस नाम से कहते हैं। मसलन लियाकत, यहां किसी का नाम लियाकत तो नहीं है ना भाई? हाँ, इसलिए बहुत डर लगता है कहीं कहीं मिसाल जो है ना टेढ़ी हो जाती तो मजलिस के बाद भी तबसरे में और तस्करे में आती, तो इसलिए ढूंढ के ऐसा लफ्ज इख्तियार करना पड़ता है कि ना मिले तो अच्छा है। भाई ये लियाकत के अब्बा ने कहा है, ठीक है। इसी तरह तो पैगाम रसानी होती है ना। मैं उस मंजर को उभारना चाहता हूं जिसे दबा दिया है तारीख ने, इंशाल्लाह साथ आएंगे आप, है ना। भाई ये लियाकत के अब्बू ने कहा है, पैगाम इसी तरह तो पहचानते हैं। अरब में भी यही कानून था, यह सिर्फ उर्दू में आया नहीं है, अरब में भी यही कानून था। जब तक इंसान की शादी नहीं होती थी नाम से पुकारा जाता था, और शादी के बाद जैसे ही औलाद होती थी तो उसका नाम गायब हो जाता था
अब वो कुन्नियत से पुकारा जाता था, ठीक है, वो कुन्नियत से पुकारा जाता था। बड़ी नाजुक सी बात है ये, कुन्नियत से, हर शख्स कुन्नियत से पुकारा जाता था। रसूल की भी कुन्नियत थी अबुल कासिम, थी, वाजे है कि सरकार की कुन्नियत अबुल कासिम थी और है, खुतबे में लफ्ज़ अबुल कासिम पढ़ा जाता है। मगर अब सवाल करता हूं आपसे कि आप तमाम कुतुब अहादीस खंगालें और अजवाज के जुबानी कही गई, बयान की गई हदीसों को देखें तो कोई एक हदीस भी नहीं मिलेगी जो कोई जौजा ये कहे काला अबुल कासिम। भाई कहां है आप, भाई तवज्जो है, कोई एक भी हदीस ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी जौजा ने कहा हो काला अबुल कासिम। अबुल कासिम ने यह कहा है, भाई कुन्नियत तो सब पुकारते थे, मौलाए कायनात की कुन्नियत अबुल हसन है, ठीक है, पूरा मदीना अबुल हसन पुकारता था, मासूम आलम अबुल हसन पुकारती थी, हदीस कसा में भी लफ्ज अबुल हसन आया है, तो मासूम आलम भी पुकारती थी, पूरा मदीना पुकारता था अबुल हसन, तो उसी तरह रसूल की भी कुन्नियत थी ना, तो किसी एक जौजा ने भी कभी कहा काला अबुल हसन नहीं कहा, जिस जौजा ने भी कहा काला रसूलुल्लाह कहा है। हाय हाय हाय, तवज्जो है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, काला रसूलुल्लाह ही कहा है कि रसूलुल्लाह ने यह कहा, काला रसूलुल्लाह ली, रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा, किसी ने यह न कहा मेरे उन्होंने मुझसे कहा। है? भाई नाम तो ले नहीं सकते, ये नहीं किसी ने कहा मेरे उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, काला रसूलुल्लाह ली, काला रसूलुल्लाह ले फला, काला रसूलुल्लाह फला, तवज्जो है, तो जिसने भी कहा काला रसूलुल्लाह का, इसका मतलब यह है कि अज़वाजे रसूल पर ईमान रखने वालों समझो कि हर ज़ौजा समझती थी कि मुस्तफा रसूल के अलावा कुछ नहीं है। फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी जुज्वे रिसालत है जहरा, जुज्वे रिसालत है जहरा। एक फिक्री खत हमेशा पेश करता हूं, एक फिक्री खत पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, असहाब से पूछ लेते हैं, भाई अहादीस की दुनिया में तो अजवाज व असहाब ही की चलती है ना, नहीं जुमला पहुंचा सका। पूरी अहादीस की जो ये 50,000 हदीसों की दुनिया है, है? उसमें किसकी चलती है, या असहाब की चलती है या अजवाज की चलती है? न मौका है न महल है, वरना मैं सुना देता काला फला और काला फला, है ना, रोवियान फला और रोवियान फला। तवज्जो है, अहादीस की कायनात में किसकी चलती है, अजवाज व असहाब की चलती है, और वो भी सब जौजा की नहीं चलती। अजवाज तो मैंने पढ़ दिया ना, वो भी सब जौजा की नहीं चलती। देखिए कितनी देर सुनने के मूड में, बहुत देर नहीं जहमत देना चाहता। मैंने कहा सब जौजा की नहीं चलती, वो जौजा जो रसूल के साथ तकरीबन तकरीबन 25 साल रही
उससे 25 हदीस में नहीं है। जो अकेले अकेले बिला शिरकते गैरे जो 25 साल रही उससे 25 हदीसें नहीं है, और जिसे गिन के 25 महीना हासिल नहीं था उससे 50,000 हदीसें अजवाज की चलती और कुछ असाब की चलती, सब असाब की भी नहीं चलती, कुछ ही असाब की चलती है। सहाबियत के कई हजार के लश्कर में, सहाबियत के कई हजार के लश्कर में मिन्ना अहलल बैत एक ही है। भाई मेरी लफ्ज संभालनी होगी आपको, मैं हर जुमले की वजाहत का आदि नहीं हूं। कई हजार के लश्कर में सहाबियत के मिन्ना अहलल बैत इकलौता सहाबी है, है? उस इकलौते सहाबी की के जिसने तकरीबन 250 साल की उम्र पाई उससे भी 250 हदीसें नहीं है। उससे भी 250 हदीसें नहीं हैं, और जिसकी जिंदगी में रसूल के साथ सहाबी की हैसियत से रहने के 250 दिन नहीं है उससे 2,500 हदीसें हैं। मालूम हुआ कि अजवाज व असहाब में चंद बड़े लोग हैं, बड़े लोग कह रहा हूं, है ना, जिनकी हदीसों की दुनिया में चलती है। अब इसे तो मान लिया जाएगा ना, चलती है, है ना। आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। रसूल ने फरमाया फातिमतो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, रसालत का टुकड़ा है, तवज्जो है, मोहब्बत का टुकड़ा नहीं, मुरव्वत का टुकड़ा नहीं, दिल का टुकड़ा नहीं, तवज्जो है, रसालत का टुकड़ा है। सहाबियत क्या समझती है? मैं सहाबियत से पूछो सहाबियत क्या समझती है, मेरे साथ रहिएगा, मैं तहलील मंजर कर रहा हूं। मैंने सहाबियत से पूछा दाढ़ी रखना, बोले सुन्नत है। दाढ़ी में तंगी करना ये भी सुन्नत है। जुल्फे रखना सुन्नत है, जुल्फों में कंघी करना सुन्नत है, आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत है। हालांकि सुरमा जो है आंखों में अकॉर्डिंग टू मेडिसिन लगाया जाता था, पहले आई ऑइंटमेंट नहीं था, सुरमा ही जो है वो आई ऑइंटमेंट था, है ना। मगर अब उसको बनवाने जीनत समझा जाए तो समझा जाए। तो सुरमा लगाना सुन्नत है, ऊंचा पैजामा पहनना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, नीम की मिसवाक करना भी सुन्नत है, पीलों की मिसवाक करना भी सुन्नत है। जड़ होती ना पीलो की, मैं वहां दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने देखा, वो गट्ठर गट्ठर अजीब टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां रखी है बदसूरत सी। हमने कहा भाई ये क्या? बोले आप नहीं जानते ये मिसवाक है। क्या नाम है भाई इसका? पीलो है, है ना। अच्छा, मेरे कानों में पीलो तकिए के माना में सिर्फ पड़ा हुआ था, मैं समझा ही नहीं।
कहने लगी अब ये पीलो की लकड़ी है न, कहिए क्या होती? बोले सुन्नत है। इतनी बारीकी से सहाबा सुन्नत को याद रखते थे। भाई तवज्जो है, इतनी बारीकी से सहाबा सुन्नत को याद रखते थे। सुन्नत क्या है? तीन बार सुभाना रब्बियल आला कहना सुन्नत है, तीन बार सुभाना रब्बियल अजीम कहना सुन्नत है। इसमें एक वाजिब है, दो जो मिलता है वो सुन्नत है। मैंने कहा सुन्नत क्या है? कहा जो अमल सरकार ने किया वो अमल सुन्नत है। ठीक है, तो सहाबा देख रहे थे, तभी तो उन्होंने लिखा भी अपनाया भी, लिखा भी अपनाया भी, क्योंकि सहाबा ने देखा। ये भी मैंने पूछा कि भाई सुन्नत क्या हर दिन का अमल? बोले नहीं, अगर सरकार एक बार भी कोई अमल कर दे तो वो अमल सुन्नत है। जैसे हज में कुछ मामलात है, रसूल ने एक ही तो हज किया कंप्लीट, उसमें कई उमूर है जो सुन्नत है, एक बार अमल किया। एक बार भी सरकार ने अगर कोई अमल किया तो वो अमल क्या है? सुन्नत है। तो जुल्फे रखना सुन्नत, कंघी करना सुन्नत, पैजामा ऊंचा पहनना सुन्नत, सुरमा लगाना सुन्नत, दाढ़ी बड़ी रखना सुन्नत, उसमें कंघी करना सुन्नत, तवज्जो है, मिसवाक करना सुन्नत, तवज्जो है, वुजू में भी दुनिया भर के सुन्नत। ये सब असहाब ने देखा रसूल को अमल करते हुए तो कहा कि ये सुन्नत है। दो दर्जन से ज्यादा रिवायतें हैं कि जब भी जहरा मस्जिद नबवी में आई, रसूल ने उठ के इस्तकबाल किया। मैं जुमला रहेगा मत करना। जज़ाक अल्लाह। है ना, दो दर्जन से ज्यादा रिवायतें हैं कि जब भी जहरा तशरीफ लाई, रसूल अपनी जगह से खड़े हुए, एक दो कदम बढ़े, जहरा का इस्तकबाल किया और जहां पे खुद बैठे थे वहीं पे जहरा को बिठाया और खुद अपने लिए जगह तलाश करके बैठे। तो ये रसूल का अमल है ना कि बेटी के लिए खड़े होके इस्तकबाल करो और अपनी जगह पे बिठाओ। तो ये दो दर्जन से ज्यादा का अमल सुन्नत कहलाएगा कि नहीं? तो जब ये सुन्नत था तो किसी बड़े से बड़े सहाबी ने अपनी किसी बड़ी से बड़ी बेटी का इस्तकबाल क्यों ना किया? हदीस की बड़ी से बड़ी किसी शख्सियत ने अपनी किसी भी मशहूर बेटी का इस्तकबाल खड़े होके क्यों ना किया? अगर खड़े होके इस्तकबाल करते, बेटी टोकती, पड़ोसी टोकता, तो कहते कि इसलिए कर रहा हूं इस्तकबाल कि रसूल की ये सुन्नत है। भाई मिसवाक याद, पैजामा याद, जुल्फे याद, कंघी याद, तवज्जो है। ये बेटी का इस्तकबाल करना क्यों याद नहीं है? किसी एक भी सहाबी का अपनी बेटी का इस्तकबाल न करना इस बात की दलील है कि सहाबा भी समझते थे मेरी बेटी और है, जहरा और है। है ना,
کہ میری بیٹی اور ہے، زہرہ اور ہے، میں صحابیوں سے ہاتھ بسدا ہاتھ باندھ کے گزارش کروں، حضور کیا سمجھتے تھے آپ کی بیٹی کیا ہے، زہرہ کیا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، میری بیٹی بیٹی ہے، زہرہ جزو رسالت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہو۔ ماشاءاللہ، مطلب یہ ہے کہ صحابیت بھی سمجھتی تھی، مانتی تھی کہ زہرا جزو رسالت ہے، زہرا جزو رسالت ہے۔ سرکار جو کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کر رہے ہیں، یہ بیٹی کا استقبال نہیں ہے، سید انبیاء سیدت نساء العالمین کا استقبال کر رہا ہے۔ میں نہیں جملہ پہنچا سکا، جو نبیوں کا سردار ہے وہ عورتوں کی سردار کا استقبال کر رہا ہے، یہ صاحب منصب صاحب منصب کا استقبال کر رہا ہے۔ پڑھ کر رہا ہوں، صاحب منصب صاحب منصب کا استقبال کر رہا۔ اب میرا ساتھ آئے نہیں، میں لفظوں کو بڑھاؤں گا یہاں سے آگے۔ سرکار نے فرمایا استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ صاحب منصب کا استقبال کر رہا ہے۔ رسول بیٹی کا استقبال نہیں کر رہے ہیں۔ تفسیر فرات ابن ابراہیم میں یہ حدیث درج ہے کہ سرکار نے فرمایا کانت مریم سیدت نساء العالمین فی زمانہا، جملہ رہے گا نہ کیجئے گا، کانت مریم سیدت نساء العالمین فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں، سردار تھی تو تھی۔ کہاں ہے کہنت مریم سیدت نساء العالمین فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، و ابنتی فاطمہ سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ دیکھیں منصب منصب دیکھیں، اور میری بیٹی زہرا اولین سے لے کے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے، اولین سے لے کے، دیکھیں بلا استثناء علماء بیٹھے ہیں، بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور مجمع بھی ماشاءاللہ میری لفظ سمجھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے،
अव्वलीन से लेके आखरीन तक तमाम औरतों की सरदार मेरी बेटी जहरा है। तो हुजूर ने जब कह दिया अव्वलीन, तो इसमें जनाबे हव्वा भी आ गई, और जब कह दिया आखरीन, तो कयामत के एक मिनट पहले तक पैदा होने वाली औरत की सरदार जहरा है। तो जहरा हव्वा की भी सरदार, जहरा सारा की भी सरदार, जहरा हाजरा की भी सरदार, जहरा आसिया की भी सरदार, जहरा मरियम की भी सरदार। तवज्जो है, अब जुमला महसूस करना कि तखलीके कायनात में जहरा की न कोई तस्बीह है, न कोई तमसील है, न कोई इस्तियारा है, न कोई किनाया है। जहरा तन्हा वो बीबी है कि फातिमा तो उम्मो अबीहा, तन्हा वो बीबी है जो अपने बाप की माँ है, अपनी माँ की भी सरदार है। भाई तवज्जो है, मैं दो हदीसें मैंने हवाले की। एक हदीस ये उम्मो बीहा, बाप की माँ। दूसरी हदीस सैयदतो निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, बाप की माँ है, माँ की भी सरदार है। रोज़े महशर जहरा अपनी माँ की भी सरदारी करेगी। अब समझ में आया, ये रसूल जो इस्तकबाल कर रहे हैं वो एक सरदार का इस्तकबाल कर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमतो बज़तुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी। जहरा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। सही है, इस हदीस को सही मानती हैं। तवज्जो है, सही है, इस हदीस को सही मानती हैं। तो जब मानती हैं तो मैं जुमला हवाले करना चाहता हूं। कुरान ने कानून दिया है, कानून मजलिसें तो होंगी, शायद पर भी हुई होंगी। कानून दिया है, इन्ना शानियका होवल अबतर। ये आयत नहीं है, इलाही कानून है। भाई बात पहुंचनी चाहिए, ये आयत नहीं है, ये इलाही कानून है। सबसे पहले ये लफ्ज अबतर आस इब्न वाइल ने कहा था। ये अमरे आस का बाप है, नहीं जुमला पहुंचा सका। आस इब्न वाइल के 10 बेटे थे, उसमें एक बेटा अमरे आस था, जिसे उमरे आस पढ़ा जाता है आमतौर से, मगर उसका प्रोनाउंसिएशन अमरे आस है। अमरे आस जो सिफीन का स्ट्रेटजी मेकर था, सिफीन की जंग लड़वाने वाला जो था वो अमरे आस था। नहरवान का क्रिएटर कौन था? अमरे आस था। मलाए कायनात की शहादत के पसे पर्दा कौन था? अमरे आस था। ये है वजीर अमीर शाम का, और कर रहे हैं, इसका भी बाप है आस। नहीं जुमला पहुंच रहा है, और कर रहे आप, अगर आस को समझना है तो अमर आस की तारीख पढ़ लो, आस समझ में आ जाएगा। तवज्जो है, इसको आस को अपने 10 बेटों पे बड़ा गरूर था। इसके पास 10 बेटे थे,
गोया कहीं ना कहीं लाशौर में यह था कि एक मर जाएगा, दो मर जाएगा, तीन चार मर जाएंगे, तब भी तो छह है। और इसने, हमारे आस के बाप ने रसूल को उस वक्त अबतर कहा जब रसूल अपने एक बच्चे को दफन करके लौट रहे थे। सिचुएशन जब हो क्लियर तो फिर बात की अहमियत भी मालूम होती। जो अपने बच्चे को अपने हाथ से दफन करके लौट रहा है उसको कहा जाए कि ये देखो मक्तून नस्ल जा रहा है, उस पर क्या गुजरेगी। वो रसूल जो पत्थर खा के न रोया, कूड़े में नहा के न रोया, बुरा भला सुन के न रोया, अबतर सुन के रसूल रो दिए। अब समझिए कि कितनी तकलीफ दे बात थी। रसूल ने जवाब में कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, न बेहुदा कहा, न बदतमीज कहा, न यही कहा कि तू बात करने के लायक भी नहीं। रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। रसूल खामोशी से घर चले आए, कोई जवाब रसूल ने नहीं दिया। सूरह नाजिल हुआ, मेरे हबीब आप रो रहे हैं, आप दीदा हैं, अबतर सुन के सरकार मैंने तो आपको अलकौसर दिया है। देखिए ये अबतर के मुकाबले में है, भाई तवज्जो है, अबतर के मुकाबले में ये लफ्ज आया, मैंने आपको अलकौसर, मैं कौसर तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, अलकौसर तर्जुमा कर रहा हूं। और वजाहत इसलिए नहीं करूंगा कि अलकौसर का तर्जुमा पिछले साल पढ़ चुका हूं, है ना। अब आपको नहीं याद है तो ये हमारे हक में अच्छा है, मगर मुझे याद है इसलिए नहीं पढ़ूंगा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कभी कौसर नहीं पढ़ता, मेरे हबीब मैंने आपको अल कौसर दिया, फसल ले ले रबी का वनहर, तो फिर आपको चाहिए कि आप नमाजें पढ़िए और कुर्बानियां दीजिए। इन्ना शानिका हो अल अबतर, देखिए ये अल्लाह कानून बना रहा है, जिस तरह अल कौसर एक कानून है उसी तरह इन्ना शानिका हो अल अबतर भी एक कानून है। और कानून ये है कि मेरे नबी जिसे अपनी नस्ल पर गुरूर है हम उसी को बे नस्ला बना देंगे। भाई तवज्जो है, हम उसी को मख्तून नस्ल बना देंगे। तो ये कुरान एक कानून बना रहा है। अब जुमला अजीजो रायगा न करना कि कुरान कानून बना रहा है। इन्ना शानिया का हो अल अबतर, मेरे हबीब जिसने आपको अबतर कहा है वो खुद अबतर है। बात पहुंचनी चाहिए, भाई उसने कहा तो रसूल को अबतर, रसूल बोले नहीं बोले, कुछ कहा नहीं कहा, खामोशी से चले आए, रसूल खामोश हो गए मगर अल्लाह बोला। रसूल खामोश हुए मगर अल्लाह बोला कि मेरे हबीब मैं उसी को अबतर बना दूंगा। तो एक कानून बना दिया कुरान ने, कानून ये बनाया कि जो भी रसूल को अजियत देगा बदला अल्लाह लेगा। मैं जुमला रहेगा ना करो, जो भी रसूल को अजियत देगा बदला अल्लाह लेगा। तो सही की ये हदीस है, मन अजानी फमन अजाहा फकत अजानी, जिसने जहरा को सताया उसने मुस्तफा को सताया, और जिसने मुस्तफा को सताया बदला अल्लाह लेगा। جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سبحان اللہ۔
जिसने भी मुस्तफा को सताया बदला मुस्तफा नहीं लेंगे, बदला अल्लाह लेगा। और जिससे अल्लाह बदला लेता है, जिससे अल्लाह बदला लेता है उसे कयामत तक के लिए लानतुल्लाह बना देता है। जिससे अल्लाह बदला लेता है उसे कयामत तक के लिए, ये अल्लाह का सबसे छोटा बदला है। इसके अलावा अल्लाह ने, अल्लाह जाने अल्लाह क्या क्या बदला लेगा, मगर ये कानून बन गया कि जो मुस्तफा को अजियत देगा बदला अल्लाह लेगा। मेरे हबीब आप परेशान ना हो, हमने तो आपको जहरा की शक्ल में अलकौसर दिया है, वो अलकौसर जो सारी दुनिया की औरतों की सरदार है, मिन अल-अव्वलीन वल-आखरीन, सारी दुनिया की औरतों की सरदार है। अगर जहरा न होती तकमील रिसालत न होती। अब देखिए मैं कुछ लफ्ज पढ़ूंगा, वजाहत नहीं करूंगा। अगर जहरा न होती तकमील रिसालत मुमकिन ही नहीं थी। वजह सीधी सी है, दुनिया की आबादी 7 अरब 10 करोड़ की इस वक्त है। 7 अरब 10 करोड़ में 49% औरतें हैं, 51% मर्द हैं, यही रेशियो है। औरतें 1-2% मर्दों से कम है, मर्द 1-2% औरतों से ज्यादा है, यही जनरल एवरेज है। अब एक बात पूछूं, क्योंकि बगैर पैगाम के मेरी गुफ्तगू तमाम होती नहीं है, तो आज की गुफ्तगू का पैगाम यही है कि जब सारी दुनिया का रेशियो यही है, औरतें 49 मर्द 51, फिर ये बेटियों के बाप परेशान क्यों हैं? भाई फिर ये बेटियों के बाप परेशान है ना भाई? आप लोग इस तरह सुन रहे हैं जहां यहां किसी के पास बेटी है ही नहीं है, परेशान है ना? चलिए खुदा के ऐसा ना हो, क्योंकि बेटियां रहमत हैं, बेटियों का वजूद रहमत है। ये मौजू नहीं है, मगर एक जुमला फजाइल के हवाले से तो मैं पढ़ सकता हूं कि अगर बेटी रहमत ना होती तो अल्लाह रहमतुल आलमीन को अता ना करता। बेटे नेमत हैं, अल्लाह ने सारी नेमतें ले ली, कासिम ले लिया, अब्दुल्ला ले लिया, इब्राहिम ले लिया, जहरा छोड़ दिया, इसलिए कि बेटी रहमत होती है। तो बेटियों के बाप परेशान हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं गैर इस्लामी डगर पे चल रहा है। अगर इस्लामी डगर पे चल रहा होता तो बेटियों के बाप परेशान नहीं होते। मैं अर्ज क्या कर रहा था, औरतें 49%। क़िबला कुछ फिक्र देना चाहता हूं, औरतें 49%, मर्द 51%। जितना मर्दों को शरीयत की जरूरत है उतनी ही औरतों को शरीयत की जरूरत है। जितनी मर्दों के लिए नमाज उतनी औरतों के लिए नमाज, जितनी मर्दों के लिए रोजा उतनी औरतों के लिए रोजा, जैसा हज मर्दों के लिए वैसी औरतों के लिए है ना। और रसूल का दीन जितना मर्दों के लिए उतना औरतों के लिए, तो क्या रसूल औरतों को नमाज पढ़ना सिखा सकते हैं? भाई मेरे साथ आइए, कुछ नाजुक लफ्जों से गुजरना है। क्या रसूल औरतों को नमाज पढ़ना सिखा सकते हैं? कोई रिवायत कहीं देखी कि रसूल ने कहा मर्दों देख लो, या कहा औरतों को बुला के लाओ? मैं बताऊं कि औरत को कैसे सिमट के खड़ा होना है, हाथ कहाँ रखना है,
तिलावत कैसे करनी है, कहां नहीं कहा। अब जुमला सुनिए, उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं कि अगर रसूल औरतों की एक्टिंग करके दिखा देता रिसालत छीन ली जाती। भाई तवज्जो है, नहीं कर सकता नबी, तो औरत को चाहिए किरदार, और रसूल किरदार दे नहीं सकता, इसलिए मुस्तफा को जरूरत थी एक ऐसा किरदार अल्लाह दे जिसे रसूल बज़ातुम मिन्नी पुकारे। तवज्जो, और क्या आपने जिसे रसूल बज़ातुम मिन्नी पुकारे कि ज़हरा रसालत का जुज है, रसालत का जुज है, और अब कमाल है किरदार ज़हरा ये है। जुमला रहेगा ना करना, तो ये जुमला मैं आप ही के हवाले कर रहा हूं। कमाल है किरदार ज़हरा ये है कि मर्दों के लिए, आधी आबादी मर्दों की है ना, 51% मर्दों के लिए 13 किरदार आए, औरतों के लिए अकेली ज़हरा काफी है। ये अजमत किरदार है, कोई तशबी नहीं ज़हरा की, कोई इस्तियारा नहीं, कोई तमसील नहीं, 13 किरदार मर्दों के लिए, औरतों के लिए अकेली ज़हरा काफी है। फिर जुमला अर्ज करो, अब ये जुमला बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, मर्दों के लिए किरदार साजी और हिदायत के लिए जो उम्र हिदायत अता सलाम किरदार ज़हरा को सिर्फ 18 साल में, सिर्फ 18 साल में ज़हरा ने किरदार मुकम्मल कर दिया। सोचेंगे, अब आइए गुफ्तगू को समेटते हुए चलते हैं। ज़हरा की कुल उम्र 218 महीने, कुल उम्र 218 महीने, जिसमें 108 महीने बेटी की हैसियत से और 108 महीने जौजा और मां की हैसियत से, कुल 108 महीने। अब मैं कुछ बर्निंग सब्जेक्ट दे रहा हूं, सोचते रहिएगा, क्योंकि मैं सोचता हूं तो दिमाग जलता है, फिक्र की एक आग सी लग जाती है। चाहता हूं उस आग से थोड़ा शेयर करूं आपसे। कुल 108 महीने, 108 महीने बहसियत बेटी, 108 महीने बहसियत जौजा, 108 महीने वो है 10 से 18 की उम्र, जो नौजवानी की उम्र है, मैच्योर्ड उम्र नहीं है। आज 18 के बाद ही बालिग माना जाता है मर्द को और औरतों को, और आज नहीं, ये कानून कई 100 साल से चला आ रहा है, 18 साल से कम को बालिग भी हुकूमत नहीं मानती। तवज्जो है, इमैच्योर उम्र मानी जाती है, मगर इसी 108 महीने में ज़हरा के यहाँ 5 विलादतें हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन, शहजादियाँ दोनों और जनाबे मोहसिन, 108 महीने में 5 विलादतें हैं, जिसमें 41 महीने खर्च हो जाते हैं हयात के कितने बचे एक तरफ। दूसरी तरफ मौलाए कायनात ने इसी 108 महीने में 64 जंगें लड़ी हैं। मौलाए कायनात ने घर में ज़हरा को कितना कोऑपरेट किया होगा, किसके लिए लड़ रहे हैं, रसूल के लिए, इस्लाम के लिए,
जहरा की मर्जी से लड़ रहे हैं। कितनी 64 जंगें, जो 3 महीने की भी हैं, 1 महीने की भी हैं, 15 दिन की हैं। अब आप गौर कीजिए, एक घर 5-5 बच्चों की करबे तखलीक की उम्र, फिर करबे परवरिश, बात पहुंच रही है। इसी के साथ साथ झाड़ू भी देना, बर्तन भी मांजना, आंगन भी साफ करना, कुएं से डोल में निकाल के मशकीजा भर के कांधे पे रख के पानी भी लाना, चक्की चला करके आटा भी पीसना, खुद ही रोटी भी बनाना। ये याद रखिएगा, मासूम आलम को कनीज बहुत चंद महीनों के लिए मिली थी, पूरी जिंदगी कनीज से नहीं गुजरी। और ये भी सुने आप कि हर दिन हर घंटे फरिश्ते नहीं आ जाते थे चक्की चलाने के लिए और झूला झुलाने के लिए। रिवायतें सुनते हैं मेरे बच्चे, तो कहीं ऐसा ना हो जहन में कि उन्हें करना ही क्या था, जब झूला झुलाना हुआ जिब्रील आ गया, जब चक्की चलाना हुई तो मीकाईल आ गया। ऐसा नहीं है, 3 बार जहरा अपने बाबा के पास गई है और 3 बार जाके खामोश लौट के चली आई, 4th बार रसूल घर आए और आने के बाद कहा, बेटी मैं महसूस कर रहा हूं कि तू कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती। बेटी क्या बात है, क्या कहने के लिए आती है? जहरा ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, यूं ही आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपसे कह नहीं पा रही है, सिर्फ आप इनकी हथेलियां देख लीजिए, सिर्फ आप इनकी, मौलाए कायनात सिफारिशन करें, सिर्फ आप इनकी हथेलियां देख लीजिए। बाप ने कहा, बेटी अपनी हथेलियां दिखा दो, तो जहरा की दोनों हथेलियां फटी हुई थी काम करते करते, चक्की चलाते चलाते, डोल कहते कहते। और किया आपने, कहा या रसूल्ला, ये आपके पास से कनीज के मुतालबे के लिए गई थी। जवाब में रसूल ने क्या कहा? जवाब ने कहा, बेटी मैं तुझे कनीज से बेहतर चीज दे दूं? बेटी ने कहा, हाँ बाबा जरूर दीजिए। कहा, बेटी 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर और 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर। ये कनीज के बदले में रसूल ने अपनी बेटी को हदिया दिया है। कोई है जो इतना कलेजा रखे कि जो कबूल करे? गौर कर रहे हैं आप? और ये जो फरिश्ते आते थे, रसूल ने जनाब सलमान फारसी से कहा, सलमान जाओ मेरी बेटी को ये मेरा पैगाम दे दो, मेरी बेटी को मैं उस खिदमत जहरा से रूशनास कराना चाहता हूँ। ये रिवायतें हैं, जनाब फिजा भी थी, जनाब असमा भी थी। इससे मत समझ लीजिएगा कि 365 दिन सब इन्होंने ही काम संभाल लिया, जहरा ने कोई काम नहीं किया। जी नहीं, हाथ फट फट गए थे। और फरिश्ते, हाँ फरिश्ते गुलाम हैं, खादिम हैं, मगर इन्होंने फरिश्तों को बुलाया कब? इन्होंने फरिश्तों से इस तरह काम लिया कब? चाहते तो 365 दिन लेते, मगर इन्हें किरदार देना था। और कर रहे हैं आप, सलमान फारसी आते हैं रसूल का पैगाम लेके, तो वो ये देखते हैं कि हुसैन झूले में है, हसन आगोश में है और जहरा थक के बेहोश हो गई है। उमूरे खानदारी से जहरा थक के, है ना, जैसे थक के जब आदमी चूर हो जाता है ना तो ओंग सा जाता है, एक बेहोशी की कैफियत होती, थक के बेहोश हो गई है, झूला हिल रहा है, चक्की चल रही है। मालूम है कब आया फरिश्ता? झूला हिल रहा है और चक्की चल रही है। सलमान फारसी जैसा 10वें दर्जे पे फायज मोमिन ठिटक गए, घबरा गए, दौड़े हुए आए, कह या रसूल अल्लाह, वहां अजीब मंजर है, मैंने देखा कि मेरी शहजादी थक के आगोश में हसन है, झूले में हुसैन है।
कितना फर्क है, महीनों में फर्क बताया जा सकता है। और बेहोश सी पड़ी हुई है मगर झूला हिल रहा है, चक्की चल रही है। रसूल की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे ये मेरी बेटी का शरफ है, अल्लाह को ये गवारा न हुआ कि जहरा बेदार हो तो उसे अपना काम अधूरा नजर आए। मालूम है ऐसे फरिश्ते आए हैं। अब आप गौर करें कि जहरा ने किस मशक्कत हयात की तबलीग की है, क्या तरबियत की है नसाई कायनात की, आलम निस्वा की, कि किस तरह खिदमत करनी चाहिए, किस तरह घर को सजाना और संवारना चाहिए, एक औरत को किस तरह अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आप गौर कर रहे हैं, आप जहन में बात आ गई, घबरा तो नहीं गए हैं। मौलाए कायनात की खिदमतें, दीन की खिदमतें, जाहिर है कि यह जहरा की मर्जी ही से हो रही थी ना, जहरा चाहती थी ना कि अली जाएं और मेरे बाबा की नुसरत करें, तभी तो इतनी जंगें लड़ी। शायद मैं आपको साथ नहीं ला पाया, अगर बीवी अड़ जाए ना तो आप अपने भाई से भी गुफ्तगु नहीं कर सकते, जंग लड़ना तो दूर की बात है कि नहीं है। पड़ोस की भी आप मदद नहीं कर सकते, एक बार करके देखें, खाली आप ही है मोहल्ले में, जब होता खड़े हो जाते हैं, कोई काम हो तो बताओ, है जब मोहल्ले वाले सब मर गए, खबरदार आज समझ जाइएगा, जरा जाके दूसरे वक्त दिखाइए। तो इसका मतलब यह है कि खिदमत तभी कर सकते हैं आप जब जौजा चाहे। और कर रहे हैं ये जो हर जन्म में मौलाए कायनात जा रहे हैं तो जहरा की मर्जी से जा रहे हैं। जानती है जहरा कि अगर अली नहीं, जुमला रहेगा कर नहीं देंगे आप, जानती है जहरा कि अगर अली मदद करने आलम इस्लाम की नहीं जाएंगे तो ये उल्टे पांव पिछले मजहब पे पलट जाएंगे। हाय हाय, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस ज्यादा देर पढ़ना मकसूद नहीं, मगर बात आ गई इसी रब्त में तो अर्थ करना चाहता हूं। जिम्मेदारियां समझ ली, क्या क्या जिम्मेदारियां, घर का सारा काम, घर का सारा निजाम, ना जहरा के बाबा मौजूद हैं न जहरा का शौहर मौजूद है, न इतने बड़े बच्चे हैं कि हाथ बटाएं, अकेले घर देखना। और अगर औरतों तक बात पहुंच रही तो ये भी सुन लें कि जनाब फातिमा बिनते असद यानी सास भी जिंदा थी, सास भी, यही सबसे टेढ़ा सब्जेक्ट है, घर के अंदर बहू की खिदमत जारी हो और सास भी हो, ये हमारे कम से कम समाज का बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है। जनाब फातिमा बिनते असद भी मदीने में जिंदा थीं और एक मुद्दत तक जिंदा थीं, उनकी भी खिदमत करना, समाज भी देखना। और कर रहे हैं आप, फिर आपको कर्ब जिंदगी से आशना कराऊं। आपने सुनी होगी रिवायतें, उसमें एक रिवायत यह भी सुनी होगी कि जहरा के पास एक चमड़े की चादर थी, खाल थी, जिसमें दिन में ऊंट को खाना खिलाती थी और रात में उसी पर आराम करती थी। इसका मतलब क्या है, मौलाए कायनात तो गए मैदान जंग में, ऊंट कौन देख रहा है। मैं बकरी देखने की बात नहीं कर रहा भाई, मैं ऊंट की बात कर रहा हूं। कौन देख रहा है, वो भी मासूम आलम देख रही, वो भी मासूम आलम देख रही। कितनी जिम्मेदारियां हैं जो जहरा निभा रही है। सलवात पढ़ ले, फिर आखिरी चंद जुमले अर्थ करो, 10-15 मिनट और पढ़ दूं ना, मैं 10-15 मिनट और पढ़ दूं। फातिमतो बज़तो मिन्नी, एक बेटी, मिलजुल के सलवात पढ़ी, आप जरा घबरा गए इस मंजर को सुनकर।
फातिमा रसालत का जुज है, रसालत का जुज है। एक बेटी जब रुख्सत हो जाती है अपने शौहर के घर, तो अब उसकी जिम्मेदारी यह नहीं रहती कि अब्बा के खेत में धान हो रहा है कि गेहूं हो रहा है, रहती है नहीं। जब तक मायके में रहती है तब तक इस पर नजर रखती है कि गेहूं अब की कितना हुआ, धान कितना हुआ, धान वक्त पे बोया गया कि नहीं बोया गया। मगर जब रुख्सत हो गई तो अब अब्बा के खेत उसे नहीं याद आते। अगर ससुराल में खेत है तो फिर उसे देखती है, धान हुआ कि नहीं, गेहूं हुआ कि नहीं, ठीक है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर ले, अगर बाप की दुकान है तो जब तक मायके में रहती है बेटी की हैसियत से तो नजर रखती है कि भाई अब्बा की दुकान ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन जब रुख्सत हो गई तब उसे शौहर की दुकान याद रहती, ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं, माल दुकान में भरा है कि नहीं। यही तो तरीका है। ऐसी सर्विस में भी अब्बा की तनख्वाह पे निगाह रहती है बेटी की जब बेटी रहती है, लेकिन जब शौहर के आ जाती है तो फिर शौहर की कमाई पर निगाह होती है कि तनख्वाह बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इंक्रीमेंट मिला कि नहीं मिला। ये सब तो मौलाना लोग भी अब देखते होंगे ना, इनका भी देखा जाता होगा है तनख्वाह कितने महीने की रुकी है, कब आई है कि नहीं। तो बेशक एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा की कसम क़िबला हकीकत यही है कि मैं मिंबर पर कभी भी ख्याली मिसाल नहीं पढ़ता। जो मेरा गहरा मुशाहिदा होता है या तजुर्बा होता है मैं हमेशा उसी नफ्सियात से उजागर करके अपनी बात को पूरी करता हूँ, इसलिए कि हर मिसाल पर दिल मुतमईन तो रहेगा कि सच बोल रहा हूँ। तवज्जो है, तो मैं अब जुमला हवाले करना चाहता हूँ। तो यही तरीका है ना, 9 साल यानी 108 महीने मासूमा बेटी की हैसियत से थी, 108 महीने के बाद अब बकरिया 108 महीने 9 साल बहैसियत जोजा है। तो जब तक बेटी थी तो ठीक है, ये देखे बाबा की कौन जो है वो मदद कर रहा है, कितने लोग मुसलमान हुए कितने मुसलमान नहीं हुए, तबलीग कैसी चल रही है। मगर जब वो अली के यहाँ आ गई तब उनसे क्या मतलब कि बाबा मेरे बाबा ने कितनों को मुसलमान किया, कितनों ने कलमा पढ़ा है, कितने आए कितने नहीं आए। अब तो जिम्मेदारी नहीं है, मगर हकीकत यह है, जुमला रहेगा ना करना, कि ज़हरा ने अली के घर आने के बाद कई सौ यहूदियों को मुसलमान किया। अली के घर आने के बाद मासूम आलम ने कई सौ यहूदियों को मुसलमान किया। अगर जुमला कबूल करें साहिबान इल्म तो मैं अर्ज करूं कि न अली की तलवार से इतने यहूदी मुसलमान हुए, न रसूल की तबलीग से इतने यहूदी मुसलमान हुए, जितना ज़हरा की चादर से मुसलमान हो गए। क्यों बीबी, क्यों शमून के लिए चादर भेज दी, क्यों जैद के घर चादर गिरवी रखवा दी, क्यों शादी की दावत कबूल कर ली। मैं सिर्फ वाकई के इशारे दे रहा हूं। और चली गई 500 यहूदी औरतों को मुसलमान कर दिया, क्यों गई, का जा इसलिए रही हूं कि मैं हर दिन बजत मिलनी हूं, मैं हर दिन जुज़्वे रसालत हूं। अल्लाह अकबर। ज़हरा सैयदते निसाइल आलमीन, ज़हरा बज़अत मिन्नी, ज़हरा उम्मे अबीहा, ज़हरा सिद्दीका, ताहिरा, राजिया,
मर्जिया मुहद्दसा अजरा बतूल जहरा, ये सारे अलकाब सुने हैं ना, बस एक लकब सुना दूँ गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। सहरा जहरा की जियारत पढ़ो, जहरा की जियारत पढ़ो, उसमें जियारत में लफ्ज़ है अयो अयतु हल मजलूमतुल मखहूरा, बस यही मेरी आखिरी लफ्ज़ हैं, अयतु हल मजमूमतुल मखहूरा, सलाम हो उस पर कि जो मजलूमा भी है और मखहूरा भी है। अज़ादारो मखहूरा उसे कहते हैं जिसे एक गरोह मिलके सताए, मखहूरा उसे कहते हैं जिसे एक शख्स नहीं चंद लोग नहीं बल्कि एक गरोह मिलके सताए। अज़ादारो मसाए बहुत सुने होंगे, चंद नफसियाती बातें और गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। जहरा बाबा की आंख बंद हुई, सबसे पहला गम यही था कि बीबी को रोने नहीं दिया गया। खुदा की कसम अल्लाह हर बेटी पर उसके बाप का माँ का साया कायम रखे। अज़ादारो अगर किसी बेटी के सर से उसके बाप का साया उड़ जाता है तो उसे कभी चैन नहीं आता है, उसे हर लम्हा बाप की शफ़क़त याद आती है। कायनात की ये पहली बेटी है जिसे बाप पर रोने नहीं दिया गया। एक गरोह के कहता रात में न रोए, एक कहता दिन में न रोए। अज़ादारो बीबी रोना चाहती है, खुदा की कसम इंसाफ करो, जिंदगी में शायद ये मंजर भी निगाह से गुजरा हो, सड़क के किनारे भी अगर कोई किसी अजियत से दो चार हो जाए और वो रो रहा हो तो गुजरता हुआ आदमी भी कहता है रो लेने दो दिल हल्का हो जाएगा, इसे रो लेने दो दिल हल्का हो जाएगा। लोग रोने का माहौल फराहम करते हैं। जहरा रोना चाहती है तो जालिम रोने नहीं देते। यानी मैं बाबा पे रोना चाहती हूँ, आवाज़ी बीबी चलिए आपके लिए बकी में एक जगह मुहैया कर दे, वही रो ले। वो बैतुल हुज़्न कोई घर नहीं था, एक खजूर का दरख्त था जिससे एक चादर बांध दी थी मौलाए कायनात ने। जहरा वहां बैठ के रोती थी। एक दिन जहरा घर में आके दिन में आंगन में बैठी रो रही थी, मौलाए कायनात आए, आवाज दी बीबी क्या कोई ताजा गम पड़ गया जो घर तक रोती आ गई है। कयाली जालिमों ने वो दरख्त भी कटवा दिया। एक गम, एक गरोह जिसे मजलूमा बना रहा है, मखूरा बना रहा। अली घर में है, अली घर में है, दरवाजे पे भीड़ जमा है। रिवायतों ने तो 16-17 नाम गिना भी दिए हैं। ये वो नाम हैं जो सामने थे, फ्रंट पर थे। कोई एक भी मस्जिद से निकल के ये कहने वाला नहीं था ये रसूल की बेटी का घर है। कोई एक भी बचाने वाला और दफा करने वाला न था। और जालिम आदर लकड़ी लिए खड़ा हुआ आवाज दे रहा है अबुल हसन को निकालो, और जहरा वास्ता दे रही है अबुल हसन मेरे हक का वास्ता है। अली के हाथों में रसूल और जहरा की जंजीरें पड़ी हैं, अली घर में है। जालिम ने जब घर जलाने की धमकी दी, इंसाफ करना अजीजों,
एक माँ के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? एक माँ की दौलत सबसे बड़ी उसके बच्चे होते हैं। दुनिया के हर कानून में, मैदान जंग में भी बच्चों का ख्याल रखने का हुक्म है। जहरा कहती है, अरे उस घर को आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन है। जालिम ने कहा, उसी घर को आग लगा देंगे। इंसाफ करो, जब किसी माँ को यह महसूस हो कि मेरे बच्चों पे आफत आ रही है, तो माँ क्या करती है? बच्चों को पीछे करती है, खुद आगे आ जाती है। जहरा दरवाजे से करीब क्या आई, जलता हुआ दरवाजा जहरा पे गिराया गया। जहरा दर और दीवार के दरमियान आ गई। मोहसिन पांचवा बच्चा जहरा का शहीद हो गया। रिवायत कहती है कि जहरा दरवाजे और दीवार के दरमियान पिस के इस तरह से गिर गई थी जैसे अलगनी से भीगा कपड़ा गिर जाता। इस तरह सिमट के जहरा गिरी, आवाज दी, फिजा फिजा मुझे आकर संभालो, मेरा मोहसिन मारा गया। अजीजों, सिर्फ मोहसिन नहीं मारा गया बल्कि तीन पसलियां टूट के जहरा की कलेजे में पैवस्त हो गई। जाओ किसी आर्थोपेडिक से पूछो, अगर मुशाहिदा हो, खुदा करे कि ना हो लेकिन मुशाहिदा हो, या किसी हॉस्पिटल जाकर देख लो, अगर पसलियां फ्रैक्चर हो, ब्रोकन नहीं, जहरा की पसलियां फ्रैक्चर नहीं थी, टूट गई थी, ब्रोकन थी, टूट गई थी, टूट के पावत थी। जिसकी पसलियां टूट जाती हैं, पसलियों के लिए आज तक कोई प्लास्टर नहीं बना है, उसे बेड रेस्ट दिया जाता है। जिसकी पसलियां टूट जाए, न वो सांस ले पाता, न पानी पी पाता, न खाना खा पाता, न जाने जहरा ने 90 दिन कैसे गुजारे। अल्लाह अकबर। बच्चा पढ़ रहा था मकहूरा, जिसे एक गरोह मिलके सताए, अल्लाह अकबर। बच्चा पढ़ रहा था, अली से पहले कोई मुश्किल कुशा नहीं था, अली ही मुश्किल कुशा, मगर खुदा की कसम जहरा अली की भी मुश्किल कशा निकली। जिस वक्त जहरा मजरूह कर दी गई और मौलाए कायनात के गले में रस्सी बांध दी गई और उन्हें खींच के ले जाया जाने लगा, खुदा की कसम जिसके शिकम में बच्चा शहीद हो जाए, वो औरत तो बाहोश रही नहीं सकती है। ये जहरा है जो सिर्फ बाहोश नहीं बल्कि अली की मुश्किल को शायद भी कर रही है। सुनोगे अजीजों, एक बार कानों में आवाज पड़ी, अली को गिरफ्तार कर लो। अली गिरफ्तार हो गए, ये सुनना था आवाज फिजा, मेरी रेगा दुरुस्त करो। अरे अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद रिदा दुरुस्त कराई, घर से बाहर निकली, खल्लो अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो। जहरा ने अली का दामन पीछे से पकड़ा, जालिमों ने खींचा, जहरा दोबारा गिर गई। आवाज दिया, अबुल हसन जाओ, तुम्हें खुदा के अला लानतुल्लाह अलल कौम सालिमीन।